विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिल अयान का नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने रफीक सतनवी साहब की शेरो शायरी और गज़लों को सुना, आनंद लिया। निश्चित है आपको वो कार्यक्रम पसंद आया होगा। उसी की अगली कड़ी में इस बार हम जिन शायर साहबान की रचनाओं का आनंद लेने वाले हैं वो हमारे शहर के अजीम शायर, वरिष्ठ शायर हैं। बहुत लंबे समय से वो शेर व शायरी कर रहे हैं और उन्होंने उस्तादी हासिल की है। उनके साथ रह करके बहुत सारे शायरों ने अपनी गज़लें लिखी हैं, इस्लाह किए हैं। निदा फाजली साहब की चार पंक्तियाँ उनके सम्मान में रखना चाहता हूँ कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आइए आज हम आनंद लेते हैं पूर्णम सुल्तानपुरी साहब की शेर व शायरी का और उनकी गज़लों का। मैं पूर्णम सुल्तानपुरी विशाल खबर की जानिब से अपनी गज़लों को पेश कर रहा हूँ। आप हजरात सबसे पहले एक दुआ समाज फरमा लें। इस दुआ को हर शख्स पढ़ सकता है, दुनिया के हर कौम के लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अल्फाजों की बंदिश जो यहाँ पर मैंने इसमें व्यवस्थ की है उसका फैसला आप खुद करेंगे। अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे अजमत, मुझे शोहरत, मुझे राहत अता कर दे, मुझे अजमत, मुझे शोहरत, मुझे राहत अता कर दे, मशक्क़त और इबादत की के लिए, मशक्क़त और इबादत के लिए सेहत अता कर दे, मशक्क़त और इबादत के लिए सेहत अता कर दे। हमारे खून से हरगिज़ वफादारी न जाएगी, हमारे खून से हरगिज़ वफादारी न जाएगी, मेरे हिस्से में लोगों के लिए खिदमत अता कर दे, मेरे हिस्से में लोगों के लिए खिदमत अता कर दे। मैं खस्ता दिल से रोकर आपसे फरियाद करता हूँ, मैं खस्ता दिल से रोकर आपसे फरियाद करता हूँ, सुकूने दिल मिले जिससे वही राहत अता कर दे, सुकूने दिल मिले जिससे वही राहत अता कर दे। और तेरी दुनिया में जो माजूर हैं, रंजूर हैं मुफलिस, तेरी दुनिया में जो माजूर हैं, रंजूर हैं मुफलिस, मुझे इमदाद करने के लिए दौलत अता कर दे, मुझे इमदाद करने के लिए दौलत अता कर दे। कहा जो तूने उसको उम्र भर मैंने निभाया है, कहा जो तूने उसको उम्र भर मैंने निभाया है, मेरे माँ बाप के सदक़े मुझे जन्नत अता कर दे, मेरे माँ बाप के सदक़े मुझे जन्नत अता कर दे। और मशक्क़त से जो बच्चों के लिए दौलत कमाता हूँ, मशक्क़त से जो बच्चों के लिए दौलत कमाता हूँ, मेरे मौला तिजारत में मेरी बरकत अता कर दे, मेरे मौला तिजारत में मेरी बरकत अता कर दे। मक्ता समात फरमा ले। ज़मी से तापलक पूर्णम तेरा मशहूर हो जाए, ज़मी से तापलक पूर्णम तेरा मशहूर हो जाए, उसे कुछ और अपने इल्म की दौलत अता कर दे, उसे कुछ और अपने इल्म की दौलत अता कर दे। और एक गज़ल के चल शेर आप समात फरमा ले। चाहे नमाजी चाहे शराबी, चाहे हों अनजाने लोग,
चाहे नमाजी, चाहे नमाजी, चाहे शराबी, चाहे हों जाने लोग, फिर भी उसे आगोश लहज तक जाते हैं पहुँचाने लोग, फिर भी उसे फिर जिसको मसीहा अपनी जबान से सारा जमाना कहता था, आज उसी इंसान पे पत्थर क्यों आए बरसाने लोग। और एक शेर गज़ल के रंग से हटकर हो रहा है, एक मंजर कसीद पेश कर रहा हूँ। शहरे मदीना दरिया का तक हमदम जब कोई जाता है, उसको समंदर के साहिल तक जाते हैं पहुँचाने लोग। गज़ल का कुछ ख़ास तौर से दो मकसद का है, लेकिन दोनों अपने अपनी जगह अलग से कह दिया। अर्ज कर रहा हूँ, अपनी जबान से अपना तारुफ देखिए पूर्णम ठीक नहीं, अपनी जबान से अपना तारुफ देखिए पूर्णम ठीक नहीं, तेरा तारुफ खुद ही देंगे शहर के जाने माने लोग। और मक्का से मां फरमा लें, एक कौन है पूर्णम पूछ रहे हैं बजुम में बैठे शाये लोग, कौन है पूर्णम पूछ रहे हैं बजुम में बैठे शायर लोग, उसने गजल जब अपनी सुनाई, उसने गजल जब अपनी सुनाई, तब जाकर पहचाने लोग, तब जाकर पहचाने लोग।